फ्रेंड्स, माय नेम इज अमनजन। आज हम बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है और अब 11 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, लगभग 110% का डिविडेंड होता है। और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे, काफ़ी अच्छा मौका काफ़ी टाइम दिया है 2018 के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं 90-100 के करीब जाता है, फिर ये स्टॉक 110-115 के करीब गया। और अब अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर मिला है और हायर लेवल्स के ऊपर चल रहा है। इसका अगर आप लो देखेंगे तो 89 का है 52 वीक का, और हाई 145 का है, और अब स्टॉक 137 के ऊपर चल रहा है। और कंपनी है REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी है गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनी में से एक है। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड होता है काफ़ी अच्छा होता है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, और जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 11 रुपये का डिक्लेयर किया है। तो अगर आप स्टॉक प्राइस के ऊपर से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा यील्ड है। और दिसंबर क्वार्टर के अगर नतीजे देखेंगे, 7,257 के करीब टोटल इनकम था 7,299 सितंबर क्वार्टर में, लगभग मिले जुले रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1,274 थोड़े डाउन हुए क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, और लास्ट क्वार्टर में 1,764। लेकिन फिर भी जो है अभी ऊपर के रेट पे स्टॉक चल रहा है, अगर आपको लेना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करिए, थोड़ा नीचे आता है तो उस टाइम लीजिएगा, ताकि लॉन्गर टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो और एवरी ईयर जो डिविडेंड देती है काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी आपको मिले। और डिविडेंड की अगर आप बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इजीली कंटिन्यूस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और 2019 में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया काफ़ी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया, 2018 में 2017 एवरी ईयर देती है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड जो है काफ़ी अच्छा 2019 में किया है, 100% से भी ज़्यादा का, ये एक अच्छी बात है। ये लेटर निकाला है मैंने BSE की साइट से, आप भी इजीली जाकर चेक कर सकते हैं। और 11 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे है, और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 12th मार्च 2019, तो इससे पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होने ज़रूरी है 3-4 दिन पहले। और जो कंपनी डिविडेंड डिस्पैच करेगी आपके सेविंग अकाउंट या जो भी लिंक अकाउंट में भेजेगी वो 19 मार्च 2019 से भेजना चालू कर देगी, लगभग विद इन 1 वीक आपके खाते में आ जाएगा। उसके बाद भले आप सेल करो शेयर्स या रहने दीजिए आपके हिसाब से। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आप तक पहुंचानी थी, और काफ़ी लोगों के पास ये स्टॉक होगा भी, तो मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री कंट्री है तो थोड़ा नीचे के लेवल पे ही करिएगा। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।